Let's begin. Before I proceed to the numerical portion, I just want to recall the concept what actually this chapter is of. With the help of closing statement of affairs, we were calculating closing capital. ठीक है, तो ये कभी नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि क्लोजिंग कैपिटल खुद ब खुद क्वेश्चन में दी हो. ओपनिंग उसने दी हो सकती है, क्लोजिंग आपको खुद निकालनी है. सो विद द हेल्प ऑफ विच यू विल बी प्रिपेयरिंग योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. सो दिस इज द बेसिकली द चैप्टर इज अबाउट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. वो आपसे प्रॉफिट और लॉस अर्नड ड्यूरिंग द ईयर ही पूछेगा. तो आपको अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल निकालनी होती है. अगर क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स दे रखी हैं, चाहे वो कैश ड्रॉइंग है, चाहे वो ड्रॉइंग्स इन काइंड है, लाइक सामान लेके जाता है वो पर्सनल पर्पस के लिए, दोनों तरह की ड्रॉइंग्स आपको ऐड करनी है. ऐड करने के बाद अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है तो आपने माइनस करनी है. ये प्लस माइनस करने के बाद जो कैपिटल हमारे पास आती है स्टूडेंट्स, उसे हम एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं. राइट, एडजस्टेड कैपिटल वी कंपेयर विद द ओपनिंग कैपिटल व्हिच इज यूजुअली गिवन इन द क्वेश्चन. मान लो ओपनिंग कैपिटल भी नहीं दे रखी, तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यू विल प्रिपेयर, पर इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं होगा, दोनों में से एक कैपिटल विल डेफिनेटली बी गिवन इन द क्वेश्चन. डन, कुछ इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होगा पेपर के लिए भी. दिस इज ओपनिंग कैपिटल. So I mark it as A, I mark it as B. One and two. आप A B भी कह सकते हैं. If your adjusted capital is more than your opening capital, then it will be profit. और अगर question में adjustment दे रखी है और adjustment के साथ वाला question ही आना है, तो आपने इस profit को simple profit नहीं कहना, आपने इसे trading profit कहना. Which I calculated 1-2. बट रिवर्स भी हो सकता है स्टूडेंट्स, हो सकता है ओपनिंग कैपिटल ज्यादा हो और एडजस्टेड कैपिटल कम हो, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे. ठीक है, उसके बाद अगर प्रॉफिट है, चाहे लॉस भी है, आपने एडजस्टमेंट्स माइनस करनी है. एडजस्टमेंट कैन बी रिलेटेड टू बैड डेट्स, कैन बी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कैन बी डिप्रिसिएशन. इवन अभी मैं कोई क्वेश्चन करवाऊंगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की भी एडजस्टमेंट हो सकती है. सो आफ्टर डिडक्टिंग दैट एडजस्टमेंट फ्रॉम द प्रॉफिट यू विल बी गेटिंग नेट प्रॉफिट. पर अगर लॉस हो, लॉस ऑलरेडी नेगेटिव में है, ठीक है, और एडजस्टमेंट्स भी नेगेटिव में आ रही हैं, तो लॉस में एडजस्टमेंट ऐड होनी है, क्योंकि दोनों माइनस माइनस वाली फिगर है, तब लॉस आपका बढ़ जाना. प्रॉफिट के केस में एडजस्टमेंट्स के कारण प्रॉफिट कम होगा, लॉस के केस में एडजस्टमेंट्स के कारण लॉस बढ़ेगा. ठीक है, तो देखते हैं कोई बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन लॉस वाला हो, वेयर बाय यू विल फाइंड दैट योर अमाउंट ऑफ द लॉस हैज बीन एनहांस्ड, हैज बीन इंक्रीज्ड. लेट्स सी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस. देखिए, दिस इज द लास्ट डे वी आर डूइंग दिस चैप्टर इन द क्लास. जितना मैं बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन टिपिकल है आई विल डिस्कस विद यू, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फॉर योर प्रैक्टिस. डन, और मैंने बोला था 20th तक ही है हमारे सिलेबस में. चलो बैक से ही करना शुरू करते हैं ना, लास्ट वाला करते हैं, 20th ही देखो. दिलदार कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम. पहली लाइन ही हमें बता रही है कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम. हिज फाइनेंशियल पोजीशन, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमें दोनों बनानी पड़ेंगी, बिकॉज ही इज नॉट गिविंग मी एनी टाइप ऑफ कैपिटल इन द क्वेश्चन. उसने मेरे को कैपिटल ना ओपनिंग दी है ना क्लोजिंग दी है. सो आई विल बी कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल एज वेल एज क्लोजिंग कैपिटल. लेट्स स्टार्ट. आगे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. ड्यूरिंग द ईयर दिलदार हैज विथड्रॉन 750 पर मंथ फॉर हिज हाउसहोल्ड. 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल ड्रॉइंग आ जाएगी, बिकॉज पर मंथ ड्रॉइंग ही इज गिविंग. फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन असेंट इन हिज प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंड ऑल्सो गिव द बैलेंस शीट. इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा कि वो बैलेंस शीट भी पूछे. या तो वो कैपिटल दे देगा, फिर वो बैलेंस शीट पूछेगा. और मैंने बैलेंस शीट के बारे में आपको बताया, दैट इज रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. और बैलेंस शीट में आपने सारी एडजस्टमेंट्स को एंटर करवाना होता है. एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन है, ऐसा हमने इलस्ट्रेशन भी करी है, डिटो एज ऑफ दैट. डेटर्स में से 1000 बैड डेट्स राइट ऑफ कर देना, जो बचेगा उसके ऊपर. अब देखो, उसने ना आपको कंफ्यूज करने के लिए डिस्काउंट का प्रोविजन पहले लिखा है
और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बाद में लिखा है, जबकि हमने पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट करना होता है और बाद में जो बचाता है उसके ऊपर डिस्काउंट वाला करना होता है। इट मीन्स कि आप पहले 5% माइनस करोगे, जो बचेगा उसके ऊपर 2% होगा, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारी इनकम होती है, ये एड होगी एज एन एडजस्टमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग 1 अप्रैल 2017, क्लोजिंग 31 मार्च 2018। Let's prepare statement of affairs. I always suggest you to prepare it in a combined form. हमारा time save होता है और दोनों capitals simultaneously निकल जाती हैं. Statement of affairs. As at 1 April 2017. And 31 March 2018. Done. So liability दो कॉलम्स अमाउंट के होंगे, एक ओपनिंग अमाउंट होगी और एक क्लोजिंग अमाउंट होगी। दूसरा साइड आपकी एसेट का होगा, वहां पे भी अमाउंट के दो कॉलम होंगे। आप चाहो तो दो अलग अलग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बना सकते हो, बट दैट विल जस्ट बी अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम। दिस इज फॉर 1 April 2017, 31 March 2018, 1 April 2017, 31 March 2018. Let's begin. चलिए जी, this is cash in hand 15,000, 16,000. That is my asset. This is asset part. Cash opening है 15,000, closing है 16,000. Second item पढ़िए, bank balance. Yes, एक के साथ लिखा है debit, दूसरे के साथ लिखा है credit. जो credit है वो bank overdraft है, means वो liability में आएगा, जो debit है वो asset है. ठीक, तो लिखिए बैंक बैलेंस पिछले साल का डेबिट था, मींस वो एसेट था 12, अगले साल का ओवरड्राफ्ट हो गया 18, उसे लिखिए बीओ, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट 18,000, उसमें फर्स्ट ईयर का कॉलम खाली छोड़ दो और इधर सेकेंड ईयर का कॉलम खाली छोड़ दो। देन स्टॉक एंड ट्रेड, दोनों ही एसेट हैं, 40,000, 46,500 स्टॉक। दिस इज स्टॉक। आफ्टर स्टॉक वी हैव सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,000, 36,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,000, 36,000। आगे चलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद वी हैव प्लांट एंड मशीनरी 60,000, 80,000। अब यहाँ पे बेटे जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हमें सोचना पड़ेगा मैं ओपनिंग पे लगाऊं कि क्लोजिंग पे। हो सकता है उसने मेरे को नई परचेज दे रखी हो, पढ़ लो नीचे, उसने नई परचेज दी हुई है। Assume the addition is on 30th September. लिखा है ना नीचे जहां पे depreciation वाली adjustment लिखी है। Assume the addition is on 30th September. It means कि जो addition है, जो 60 से 80 हुई है, 20,000 की जो नई खरीदी है उसके ऊपर 6 महीने का depreciation लगेगा from October to March. ठीक है, had he not been writing, so I will be calculating depreciation on the closing for the whole year. ठीक, so this is 60,000 and 80,000. फर्नीचर भी है, हाँ फर्नीचर में भी 4,000 की एडिशन हुई है, वो भी मान के चलेंगे कि सितंबर को ही हुई है। फर्नीचर इज 12 and 16,000, फर्नीचर 12,000, दिस इज 12,000 and 16,000। आगे चलो, सन्डी डेटर्स 34,000, 36,000, 34,000, 36,000। Yes, anything is left? No. सारी assets liabilities हमने लिख ली, चलो total करें 15 और 12, 27, 27 और ये 1,00,000 बना 127, 139, 143, 173 कुछ 24,000 माइनस करना है 000, yes 149. So opening capital we got, साथ में BF लिखना means balancing figure, we calculated 1,49,000 is our opening capital. चलो closing निकालें, 36 और 16, 52, 132, 132, 132 और ये बना 62, 132 और 62, पीछे 500 लगा लेंगे, 194,500, 1,94,500, कितना माइनस करना है स्टूडेंट्स 54, हाँ 140,500,
1,40,500 is our closing capital. This is our opening capital. So now the time has come when I am going to prepare my statement of profit and loss. ठीक है, हाँ इधर बोर्ड विजिबल होना, चलो ये मैं इरेज करूं. याद रखिएगा 149 and 140,500 will be my beginning point because that is my closing capital. बच्चे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर उसने नहीं पूछा पेपर में, है ना, उसने पूछा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाओ, मीन्स प्रॉफिट अर्न जो है वो निकालो, लेकिन वो निकालने के लिए आई रिक्वायर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ माई वर्किंग नोट्स, राइट. ऊपर लिखो ये है पूछा है उसने मेरे से, तो यहाँ पे आप एब्रीवेशन भी यूज कर सकते हो जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, जल्दी जल्दी करना प्लस माइनस. स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, साल के एंड का बनाना है. This is for particulars, this is for amount, capital at the end, 1,40,500. Drawings usne de rakhi thi 700 per month, 12 se 750, 12 se jab multiply kiya 84 to 9,000, bilkul theek hai 9,000. Add drawings. Examiner ko bata ke aana hai how are you calculating it, 12 se multiply karke 9,000. एडिशनल कैपिटल है नहीं, ठीक है, यही एडजस्टेड कैपिटल हुई विच इज टू बी कंपेयर विथ ओपनिंग 149 है, तो 500 बना सिर्फ, है ना, अभी तक प्रॉफिट एंड में आके मेरे हिसाब से लॉस बनेगा क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा है. ठीक, सो दिस इज ओपनिंग कैपिटल, इसे नंबर वन बोलो, इसे नंबर टू बोलो, ओपनिंग कैपिटल इज 149. तो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट आया स्टूडेंट्स 500, ओनली 500, ठीक, कॉल इट ट्रेडिंग प्रॉफिट. क्रिश जरा आंसर चेक करो, लॉस है क्या? दिस इज 20th वी आर डूइंग, हाँ ठीक है, ठीक है, वी आर ऑन द राइट ट्रैक देन. लेस एडजस्टमेंट्स, बच्चे सारी एडजस्टमेंट्स ना माइनस नहीं होनी, एक एडजस्टमेंट ऐड भी होनी है. सबसे पहले मैं वो करवाऊंगी एंड दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आई थिंक 6% नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों ऐड होगा, कैपिटल में ऐड होता है वैसे तो एक्सपेंडिचर, है ना. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज बिजनेस इनकम, और ड्रॉइंग्स देखना 9,000 है. और एक बात याद रखनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ परसेंटेज के साथ पर एनम लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के साथ पर एनम नहीं है, सो टाइम पीरियड आई विल इग्नोर. मान लो पर एनम होता तो मैं 6 महीने का इंटरेस्ट निकालती, अब मैंने पूरे साल का निकालना है. 9,000 का 6% 540 पहले एड करो, एड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो प्रॉफिट बढ़ के आपका कितना हो गया 1,040. पहली एडजस्टमेंट मैंने प्लस वाली कर दी इंटेंशनली. अब बाकी के एडजस्टमेंट देखते हैं. डेप्रिसिएशन 15% लगाना है, और अल देखना कैलकुलेशन, 60,000 का 15% ओपनिंग पे 9,000. उसने बोला जो नई 20,000 की खरीदी है वो साल के मिड में खरीदी है 30th September को, मीन्स 20,000 के ऊपर 15% लगेगा, 3,000 आएगा, लेकिन मैंने 6 महीने का निकाला है, दैट इज 1,500. सो 10,500 डेप्रिसिएशन आएगा ऑन मशीनरी. Less depreciation 10,500. Same case I am doing with my furniture. लेकिन furniture की depreciation है 12.5%. ये लिख के करना पड़ेगा भाई. 12,000 का 12.5%. देखो जरा 12,000 × 12.5 को 125 कर दिया मैंने और नीचे 1,000 हो गया. 30 कट गई. चलो 12 से मल्टीप्लाई करवाओ. 60, 6, 30, 3, 1,500. ये तो ओपनिंग पे लगा. जो नया खरीदा 4,000 उसके ऊपर भी 12.5% है, लेकिन फॉर 6 months बिकॉज वी बॉट इट ऑन 30th September. करो जरा ये 4,000 है बड़ा हुआ बैलेंस इंटू 125,000 इंटू 6/12, बाद में हाफ कर लेंगे, 500 आया ना, तो उसका हाफ कर देना 250. 6/12 भी तो करना, हाँ 125 को 4 से किया तो 500 आया ना, इंटू 6/12 भी तो करना, हाफ करना 250. सो इट मींस कि फर्नीचर की डेप्रिसिएशन आई 1,750 rupees. 1,750 rupees लिख दो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. डेटर्स, डेटर्स की कैलकुलेशन यहां पे करवाती हूँ. क्लोजिंग डेटर्स लेने आपने, क्लोजिंग डेटर्स आर 36,000. ही सेज 1,000 बैड डेट है. पहले तो बैड डेट यहाँ पे माइनस होंगे एडजस्टमेंट,
और जैसे ही मैंने 1000 माइनस किया, मैंने पहला प्रोविजन इसके ऊपर कैलकुलेट करना है, और पहला प्रोविजन हमेशा सीक्वेंस वाइज प्रोविजन फॉर बैड डेट है, बाद में डिस्काउंट है, ठीक है। तो इसका 5% कैलकुलेट करिए, 1750 0524 33250, तो एक प्रोविजन हो गया आपका 1750, ठीक है। अब इसके ऊपर कितने परसेंट है, 2% है, कैलकुलेट करो 2%, 5 पे चला जाएगा, 6 2, फिर से 6 2 5, देख 665 है, बताओ मेरे को 2%, हाँ? उसके बाद कटिंग होनी है, ठीक है ना, हाँ 665 ही होगा, 665 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, सेम आता है 25 2 30 3, हाँ बिल्कुल ठीक है, 665, दैट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। चलो ऐड करो चारों को, अब ऑलरेडी आपका क्या है, प्रॉफिट कम है और एडजस्टमेंट्स का टोटल ज्यादा है, इट मीन्स कि नेगेटिव वाली फिगर ज्यादा है और पॉजिटिव वाली कम है, डिफरेंस विल बी योर लॉस, और कोई एडजस्टमेंट रहती तो नहीं, रहती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द ओपनिंग कैपिटल, एंड ओपनिंग कैपिटल वी हैव कैलकुलेटेड 149 का 5% कैलकुलेट करो, 149,000 इंटू 5% 0 45 4 74 7 4 5 0, आई एम राइटिंग हियर। चलो जी ऐड करें, 7450 है ना, 7450, हाँ चलिए जी ऐड करते हैं, ये बन जाएगा 17,950, ये 1750 ऐड हुआ 3500, और इन दोनों को ऐड कर लिया 1000 और 65 को, बन जाएगा आपका 1665, 5 11 1 10 और 11 21 2 9 और 10 3 13 2 3 1 1 5, सो एडजस्टमेंट्स का टोटल ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, दैट इज 1040, देखो लॉस का आंसर 5 इधर 11 7 इधर 10 0 इधर 1, कितना है 21075 210, हाँ कैरी नहीं हुआ क्या, हाँ कैरी नहीं हुआ, ठीक है, हाँ ठीक है जी, 22075, वी अराइव्ड एट द राइट आंसर, ईच एंड एवरी स्टेप आई एक्सप्लेन टू यू थॉरली, इवन देन इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन आस्क, लेट मी चेक योर चैट बॉक्स, एनी कंफ्यूजन एनी डाउट अबाउट इट्स सॉल्यूशन यू कैन आस्क, पूछना है किसी को कुछ, कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं बैकवर्ड वी आर सॉल्विंग, तो 20th आई सॉल्व फॉर यू, अब 19th देखिए, रघु मेंटेन्स, चले 19th में हमारे लिए एक आसान तरी चीज क्या है, ओपनिंग कैपिटल ही इज गिविंग, ठीक है, तो मेरे को एक ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा, एम आई राइट, ओपनिंग ही इज गिविंग ना, हिज फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 31 मार्च 2018, हाँ, और 6 महीने के बाद ये क्लोजिंग बना रहा है, क्योंकि सिंगल एंट्री में जरूरी नहीं होता कि साल के बाद ये बनाए, इट डिपेंड्स अपॉन द विश ऑफ द प्रोप्राइटर, वो 6 महीने के बाद बना सकता है, अगला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वो 3 महीने के बाद बना सकता है, तो ये हाफ ईयरली, यही है ना, क्यों दोनों क्यों बनानी, फर्स्ट तो दे रखी है ओपनिंग कैपिटल 31st, तो अगली होनी 30 सितंबर 18, 6 महीने के बाद वो अगली बना रहा है ना, तो मैंने बोला कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट एट द एक्सपायरी ऑफ एवरी ईयर यू विल बी प्रिपेयरिंग, ही इज प्रिपेयरिंग इट आफ्टर हाफ ईयर, डन, सो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में कुछ चेंजेस हैं, वो कहता है उन चेंजेस को माइंड में रखो, एंड फॉर दैट वी विल बी कैलकुलेटिंग योर क्लोजिंग कैपिटल, लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग कैपिटल, एंड दैट वी आर प्रिपेयरिंग दिस टाइम ऑन 30th सितंबर 2018, डन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट 30th September 2018. He prepared it on his own on 31st March 2018, which he is giving me in the question. And that statement of affair is telling me the opening capital.
For closing capital, I am preparing the second statement of affair now, which is a part of your working note. So hereby you can use the abbreviations. आप abbreviations भी use कर सकते हैं, क्योंकि फटाफट plus minus करके आपको closing capital निकालनी है. Done? चलिए जी पढ़े. He says cash position 10,000 से इंप्रूव हुई है और बैंक बैलेंस 50,000 से इंप्रूव हुआ है. इट मीन्स कि मैं कैश अब 30,000 लिख दूं और बैंक बैलेंस 100,000 लिख दूं. Am I right? नहीं, आई एम रीडिंग इट रॉन्ग. पहली लाइन मैंने ठीक बोली. हिज कैश पोजिशन इंप्रूव्ड बाय 10,000 एंड बैंक बैलेंस वाज, वो 50 ही है. दैट इज नॉट बीइंग इंप्रूव्ड. उसके साथ इंप्रूव्ड वर्ड थोड़ा लिखा. ठीक है, तो बैंक बैलेंस आपने 50 का 50 ही रखना है. कैश पहले 20,000 था, 10,000 बढ़ गया. इट मीन्स कि अब कैश आपका 30,000 हो गया. एम आई राइट? तो दो एसेट तो लिखिए पहले. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये पूरा लिखना ही नहीं, ये कौन सा किसी ने चेक करना है. एब्रीवेशन में फटाफट करो. कैश 30,000, सॉरी हाँ ठीक है, और बैंक 50 का 50. देखो और क्या चेंजेस आई है एसेट्स और लाइबिलिटीज में. सेकेंड लाइन पढ़ो. स्टॉक डिक्रीज टू, स्टॉक की वैल्यू 130 कर देंगे और 2 का मतलब है ये वैल्यू है. और डेटर्स को 20,000 से कम करना है. डेटर्स ऑलरेडी 120 की है, मीन्स 100,000 के कर दो. ठीक है, स्टॉक कितने का हो गया? 130 का, और डेटर्स 100,000, क्योंकि वो कहता है 20,000 से कम कर देने हैं. रिड्यूस्ड बाय 20,000. आगे चलो. संडी क्रेडिटर्स कहता सेम रखने हैं जो 1 अप्रैल को थे. हाँ, क्रेडिटर्स कितने के हैं? 120 के लिख दीजिए. 120 के क्रेडिटर्स. हाँ, सी नेक्स्ट. देयर वाज नो बीपी आउटस्टैंडिंग. बीपी नहीं रहना मतलब बीपी की पेमेंट हो गई, छोड़ दो. फिर बीपी पहले था, अब नहीं है. द बैलेंस ऑफ द फर्नीचर वाज 35,000. फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 25,000. 25,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 20,000. मीन्स ये 5,000 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर होगा जो आपकी एडजस्टमेंट होगी. फर्नीचर अब आपने 35 का ही दिखाना है, क्योंकि पहले 60 का था, वो कहता 25 का बेच दिया. ठीक है, हाँ, हमने कितने का दिखाना है? 35 का ही दिखाना है. 60 थोड़ा ना दिखाना है, 25 का तो बेच दिया, ब्रैकेट में लिखा है ना. फर्नीचर वी विल बी शोइंग फॉर 35,000. बाकी एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में खुद कुछ नहीं बोला, तो देखिए वो कौन सी रह गई. स्टॉक वी एंटर्ड, कैश वी एंटर्ड, बैंक बैलेंस वी एंटर्ड. व्हाट अबाउट बीआर? उसने बोला देयर वाज नो चेंज इन बीआर. इट मींस कि बीआर विल रिमेन सेम. ठीक है जी, बी आर सेम लिखिए. बी आर कितने का है? 70 का. डेटर्स हमने लिखी है, फर्नीचर हमने लिख लिया. तो बी आर आई एम राइटिंग हियर 70. चलो जी, गेट द टोटल. 50 + 30 = 80, 80 और 130 210 और 380 415 ठीक है जी. टोटल 415 में से अगर 115 माइनस करती तो 300,000 बनता है ना. 295. So closing capital we got 295. Done. So it was not directly being asked in the question, but we need to calculate it in order to calculate our profit or loss. So closing capital we calculated. Closing answer नहीं देता शायद. बनाए statement of P&L. इसमें भी loss है. चलो अच्छी बात है. Practice होगी हमारी loss के questions की भी. Capital at the end. यहाँ से दिख रहा है? Yes. Capital at the end. 2,95,000. ड्रॉइंग्स हैं क्वेश्चन में? नो, छोड़ दो. एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है. नीचे हमने पढ़ा नहीं. फर्नीचर वाज सोल्ड ऑन 30th September. ठीक है, इट वाज एस्टिमेटेड कि फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है ओरिजिनल कॉस्ट पे. हाँ बस, फिर कुछ भी नहीं है. सॉरी, हाँ वो मैं देखती हूँ कैसे करना है. यही आपकी एडजस्टेड कैपिटल आई. इसका कंपेरिजन ओपनिंग कैपिटल से कर दें. एंड ओपनिंग कैपिटल इज 340. For the first time, opening capital is more than closing. तो loss पहले से loss है. We will be calling it trading loss. Am I right? कितना? 45. हाँ, 45. Trading loss आया. Adjustment एक ही है furniture वाली, है ना? We will be calling it trading loss. Negative का sign डाल नहीं सकते, इसलिए bracket में लिखेंगे. अब जरा furniture का हिसाब किताब पढ़ो. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. ही सेज फर्नीचर के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? जो फर्नीचर बेचा है ना, कहता 30th September को बेचा है. 30th September इज माय क्लोजिंग डेट एज वेल. इट मींस कि फर्नीचर के ऊपर जब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगी तो मैं कितने पे लगाऊंगी?
और मैंने 30 सितंबर को ही लगाना है डेप्रिसिएशन भी, है ना, और उसी दिन ही आप फर्नीचर बेच रहे हो तो उसपे तो नहीं लगेगा ना जो बिक रहा है, किस पे लगेगा, कितने परसेंट, 6 महीनों का लगेगा बेटे, क्यों, क्योंकि आप, हाँ, आपके अकाउंट स्टार्ट होते हैं 1 अप्रैल, 31 मार्च को अगर खत्म होते हैं तो मीन 1 अप्रैल को स्टार्ट होते हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग इट ऑन 30 सितंबर, 6 महीने, 1750 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी फर्नीचर भी आना चाहिए, नहीं, अगर मैं फाइनल अकाउंट का ये क्वेश्चन करती है ना, मतलब इससे पहले वाले चैप्टर का, तो मैं उसे जरूर कंसिडर करती, लेकिन क्योंकि ये सिंगल एंट्री सिस्टम है इसमें एडजस्टमेंट्स के अलावा और कुछ कंसिडर नहीं करता, ठीक, तो सीधा आपका लॉस बढ़ गया, देखो आंसर सेम आता है 46,750 बढ़ जाएगा ना लॉस, दिस इज टू बी डिडक्टेड 1750, ये ऑलरेडी नेगेटिव में फिगर है तो दोनों ऐड हो के आपका लॉस बढ़ जाएगा, मैंने बोला था अगर ऑलरेडी लॉस है तो एडजस्टमेंट्स के कारण लॉस बढ़ेगा, अगर ऑलरेडी प्रॉफिट है तो एडजस्टमेंट्स के कारण प्रॉफिट कम होगा, सो दिस वॉज योर 19th वॉज कंपेरेटिवली इजी। 18th देखो, मनजीत सानी वाला देखो, चलिए जी 18th देखते हैं, 18th में वंस अगेन द ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, सो वी विल जस्ट बी प्रिपेयरिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, एम आई राइट, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, चलिए नेक्स्ट पीरियड इज ऑल्सो ऑफ अकाउंटेंसी, अगेन यू हैव टू रीजॉइन, चलो बनाए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फिर से, रफ वर्क की तरह बनाना, जल्दी जल्दी बनाना है, वहां पे टाइम भी तो सेव करना है, he is not going to check it, this is 18th back exercise question we are doing, 18 statement of affairs, liability asset amount, kya kya changes aaye, let's see, he himself writes the very first line on 31st March 2018, it is learned that he has introduced further capital, ये तो further capital introduced है, साल के end में है, कोई बात नहीं, ये additional capital introduced है, ये तो statement of P&L में आएगी, and on 1st October उसने drawings करी हैं, ये भी वहाँ पे आएगा, it is also learned that he has taken goods of ₹75 only for his own use, ये drawings in kind हो गया, statement prepared on the same day discloses, हाँ, book debts का मतलब है debtors, ठीक है, so debtors he is giving 14,640, सेकेंड लाइबिलिटी क्रेडिटर्स 2039 रुपीज, बड़ी ऑड सी फिगर दे रखी है क्रेडिटर्स की, देन वी हैव बीपी 1775, देन वॉट एल्स ही इज टॉकिंग अबाउट, स्टॉक 11,417, फिर से ऑड फिगर स्टॉक, दिस इज स्टॉक एसटी, कैश 970, है ना, बाकी एसेट्स के बारे में देखें सारा कुछ दे दिया, लीज होल्ड लैंड मेरे अकॉर्डिंग एज इट इज रहेगी क्योंकि बेची भी नहीं है, दिस आई एम अज्यूमिंग, जिन एसेट्स में चेंजेस हैं वो बता रहा है, जो एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला, इट मींस कि दैट विल रिमेन सेम, दैट इज माय अजम्पशन, एंड वन थिंग मोर, लीज होल्ड लैंड अगर पिछले साल है तो इस साल खत्म थोड़ी ना होगी, ठीक है, सो वी विल बी टेकिंग इट एज इट इज 2075 लीज होल्ड लैंड, और plant will remain same, ठीक है, asset fixed assets नहीं आपके 4940 done, plant stock के बारे में उसने खुद बता दिया, book debts बता दिया, cash in hand बता दिया, उधर से creditors बता दिया, BP नहीं बताया, so BP I will be taking same, BP बता दिया क्या, बता दिया, दो liabilities बता दी, चलो get the total 57, मैंने digit के नीचे digit नहीं ना लिखे, this is 7714 14 or 5 9 3, one carry piche 9 aa raha hai, one carry, second figure dekho, digit second 9 10 14 15 15 or 11, 26 two, third digit dekho 8 or 2 10 19 19 or 9 28, 2 3 4 6 10, हाँ कितना आता है, 2 कैरी हो रहा है कि 1 कैरी हो रहा है,
लिख के करते हैं दोबारा. 14640, दिस इज 11417, दिस इज 9. तभी मैं बोलती हूँ ना डिजिट के नीचे डिजिट लिखा करो. 2075 4940. 14 और 5 19 1 5 6 6 1 मिनट 7 14 14 और 4 18 1. चेक करते जाओ. 10 और 1 11 11 और 9 19 सॉरी 11 और 9 20 29. 2 6 7 7 और 2 9 9 और 4 13 1 3 3 9 8 9 है. ठीक है जी, बीच में से ये माइनस करो कितना बनेगा. 14 1 11 1 8 and 3. दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 1, दिस इज 0. 30,175 विल बी योर क्लोजिंग कैपिटल. 30,175 आफ्टर 5 मिनट्स रीजॉइन द क्लास. वी विल कंटिन्यू विद दिस.